शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये गौरी भी ना मुझे भी कुछ करने नहीं दे रही, सब काम अकेले कर रही है। माँ जी आप इस हालत में बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, हम है ना हम कर लेंगे। हम अभय जी के लिए पानी लेकर आते हैं। बहुत प्यारी बच्ची है, सबका ख्याल रखना जानती है। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन श्रद्धा को ना हमें इन हालातों में अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। माँ कह तो सही रही है, पर मैं जानता हूँ श्रद्धा गई कहाँ है। डॉक्टर आप ही बताइए ना क्या करें, मम्मी जी को ऐसी हालत में हम नहीं देख सकते। देखिए फिलहाल तो मैंने इन्हें बीपी का इंजेक्शन दे दिया है, पर दवा तो तभी काम करेगी जब ये शांत रहेंगी। आप इनके बेटे को बुला लीजिए, वरना इनका इस सदमे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और कैसे भी करके इन्हें खाना खिलाइए, जूस पिलाइए, अगर तबीयत और बिगड़ गई तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर ये कुछ नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगी इनका, इन्हें खाना खिलाऊंगी और अभय को वापस भी लेके आऊंगी। मम्मी जी को हर हाल में ठीक करके रहूंगी मैं, इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं दीदू हम ये नहीं होने देंगे, अभय अब इस घर में वापस कभी नहीं आएगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। श्रद्धा श्रद्धा तुम आ गई, इसका मतलब अभय भी आ गया, हम जानते थे वो वापस आ जाएगा। हे भगवान उसे सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा, हम उसकी मनपसंद चीज बनाएंगे। हम अभी आते हैं। अभय अभय कहाँ हो तुम? तुम यही संभालिए। अरे अनुज जी हमें कुछ नहीं हुआ, आप देखिए ना कि अभय कहाँ है। श्रद्धा श्रद्धा वो अपने कमरे में होगा ना, अब अभी देख के आते हैं, अभी देख के आते हैं कहाँ है वो। बस भाभी बस कीजिए, अभय नहीं आया है। अभय नहीं लौटे मगर आप मुझ पर भरोसा रखिए, वो जरूर आएंगे। ऐसी क्या जरूरी बात है जो तुमने घर के बाहर मुझे इतनी जल्दी अकेले बुलाया? आपकी मेहनत पे पानी ना फिर जाए इसीलिए आपको सतर्क करने आए। आखिर आपको तो आपका बेटा मिल गया ना, लेकिन वहाँ घर पे चाची जी ने पूरे घर को सर पे उठा लिया है, बीमारी का नाटक कर रही है, रोना धोना चालू है भय भय करके, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। और आपको तो पता है ना कि अभय का दिल कितना कमजोर है, वो चाची जी को ऐसी हालत में कभी नहीं छोड़ पाएगा। तो सोचिए अभय अगर फिर से उस घर में वापस चला गया ना तो आपके पास नहीं आएगा। नहीं अब मैं अभय को उस घर में वापस नहीं जाने दूंगी, अपने से दूर अपने बेटे को अब नहीं होने दूंगी। इसके लिए ना चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। माँ अरे क्या हो गया यहाँ सबको, पहले श्रद्धा कहीं चली गई, अब माँ नहीं दिख रही है, माँ को तो आराम करना चाहिए ना। कहाँ हो तुम? अभय
मैं घर आई हुई हूँ मम्मी जी के पास। तुमने अपनी मनमानी शुरू कर दी ना, चली गई ना वहाँ। यहाँ अपना सारा काम गौरी के सर पे डालकर। अरे उसके हाथ में चोट लगी है, तुम्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है क्या? बस कीजिए अब है, बहुत हो गया। एक बार भी आपने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, घर आने की मेरी वजह क्या है। मम्मी जी की हालत बहुत खराब हो गई है, आपके जाने का बहुत भयानक सदमा लगा है उन्हें। अब है कुछ नहीं खा रही है, वो पानी की एक बूंद तक नहीं पी है उन्होंने। मुझे उनके लिए बहुत डर लग रहा है, अब उनकी हालत बहुत खराब है सच में। मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ नहीं होगा मम्मी को, मैं आ रहा हूँ। बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पास जा रहा हूँ। हाँ बेटा जाओ, वो भी तुम्हारी माँ है ना, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी अभय वापस आ रहे हैं। मम्मी जी क्या तुम सच कह रही हो, अभय वापस आ रहा है? हाँ मम्मी जी, मेरी अभी अभय से बात हुई है, वो वहां से निकल भी गए होंगे। आप प्लीज खाना खा लीजिए। अगर तुमने इस बार हमें धोखा दिया और अभय वापस नहीं आया ना, तो हम तुम्हें कभी नहीं माफ करेंगे। ये कैसे हुआ? इतना खून बह रहा है। बेटा इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अभय अभी तक आया क्यों नहीं है? तुमने कहा था कि वो आ रहा है ना? अभय आते ही होंगे, आप इतनी चिंता मत कीजिए। कहने के लिए तो पहले भी कहा था कि कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, पर गया ना। पता नहीं आएगा भैया नहीं। कीर्ति, जिस वक्त अभय घर से गए थे तब माहौल कुछ और था। उन्होंने जो भी फैसला लिया सिर्फ नाराजगी मिली। मगर अभय मम्मी जी से बहुत प्यार करते और इतनी तकलीफ में वो अपनी मम्मी को कभी नहीं देख पाएंगे। और नहीं तो क्या, हमें पक्का यकीन है कि अभय जरूर आएगा। पर तुम्हें बोरियत हो रही है तो उसे दूर करने के लिए तुम इस घर में जबरदस्ती तमाशे मत करो। अरे हम पे काहे भड़क रही है, इतना है तो फोन करके पूछ लीजिए निकला भी है या नहीं। ये तुमने सही बात बोली ना श्रद्धा, फोन लगाओ अभय को और उससे पूछो अभी तो क्यों नहीं आया, क्यों देर लगा रहा है वो आने में। तुम रहने दो बेटा, वहाँ तुम्हारा सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। तुम जाओ, गौरी को डॉक्टर के पास मैं ले जाऊंगी। चल बेटा उठ। बहुत दर्द हो रहा है। बेटा कोशिश तो कर, अब डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना। चल चल बेटा। अरे माँ मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ इसे। नहीं बेटा, मुझे ये सब करने की आदत है, रहने दो।
बोला ना मां मैं ले जाऊंगा, आप हटिए प्लीज। आराम से। हेलो अबे, अबे आप कहाँ हैं? कितनी देर में पहुंचेंगे आप यहाँ? मम्मी जी आपका इंतजार कर रही हैं। बेटा अबे तो अभी नहीं आ पाएगा। अब पर क्यों? हेलो हेलो, क्या हुआ? अरे बताओ, मैंने क्या बोला? आ रहा है ना वो? वो अभय नहीं आ रहा है। हमें तो पहले से पता था कि नहीं आएगा। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।